अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक नई रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी चिकन चरगा लाहौरी चरगा चिकन की रेसिपी। तो ये बहुत मज़े का बहुत टेस्टी बनता है। तो चले गाइस आपको दिखाते हैं। तो ये देख ले गाइस, ये पूरा ही मैंने चिकन का यानी कि पूरी मुर्गी ली है, ठीक है। तो इसको यानी कि हम मैरिनेट करेंगे, यानी कि मसाला लगाएंगे। और ये टिक्का मसाला मैंने लिया है, ये भी हम इसमें डालेंगे। और ये सिल्का है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चले गाइस पहले इसको टक लगाते हैं। तो आपने ध्यान रख के इसको टक लगाने, कहीं गलत ना लग जाए। हाँ जी, ऐसे आपने बड़े बड़े इसको ना। मामा ये टक क्यों लगा रहे हो? वो इसलिए लगा रही कि इसमें मसाला बच जाता है, अंदर पक जाता है और मसाले से। तो मैं फिर टक लगा के आपको दिखाती हूँ। और ये देख ले गाइस, ये मैंने कट लगा दिए हैं सारे छुरी के साथ। और ये पीछे से भी आपने ऐसे करके लगा देने। तो ये भी सारे यानी कि लग गए। तो अब इनका हम मसाला बनाएंगे। ये देख ले गाइस, जो टिक्का मसाला इसमें डालने लगी, तो ये जो 2 चम्मच भर के डालूंगी इसमें मैं। कुछ वैसे ही बीज गिरी जा रहा है, कोई बात नहीं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दूसरी नमक मिर्च भी हम इसमें ऐड करेंगे। मम्मा इतना स्पाइसी ना बना देना। नहीं, 1/2 चम्मच हल्दी का। नहीं गाइस, दिखाएंगे ना नमक मिर्च। मामा मेरे देखना ऊपर कौन है। कुछ नहीं, तो ये 1/2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी और डाल देंगे, क्योंकि फीका फीका ना चिकन फिर अच्छा नहीं लगेगा इसे। तो ये नमक भी ऐड करते हैं। गाइस जो फीकी चीज़ होती है वो मुझे नहीं पसंद आती। ये थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा और। हाँ, कभी मामा को कह देती है मिर्चें बहुत तेज है, तो कभी कहती फीकी। कितनी प्यार है ये लड़की। ये सूखे धनिया का पाउडर 1/2 चम्मच। ये सिल्का भी इसमें ऐड करेंगे। सिल्का मम्मा ये क्यों ऐड करते हैं? ये भी इसमें डालते हैं। ढाई चम्मच के बराबर हमने इसमें ऐड कर दिए। और इसको मिक्स करेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ मिक्स। वो ये गाइस सॉरी मैं भूल गई, 2 चीज़ें तो इसमें डालना भूल ही गए। एक ये नींबू का यानी कि मैंने रस निकाल के क्यूब्स बना के रखे हुए थे, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। खट्टा हो जाएगा। एक ये इसमें क्यूब्स ऐड करेंगे। मिक्स और तो ये करो। अदरक लहसुन का पेस्ट ये मम्मा मिक्स करो। करती हूँ बेटा, सब होकर मिक्स करेंगे इसको। तो मिक्स करके फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, तो मिक्स करके दिखाती हूँ आपको अभी। ये मैंने मिक्स कर लिया, तो अब इसको हम यानी के चिकन को लगाएंगे, है ना? खुले बर्तन में। हाँ, मिक्सर लगाएंगे इसको। मम्मा बड़ी प्रात में रखो। नहीं, छोटी में शायद पुराना है। नहीं, आ गया। आ गया, उसने तो कॉलेज से मामा ऊपर डाल दिया था। फिर ज़्यादा अंदर जाएगा ना, चमचों से डालोगे। ऐसे आपने इसके अंदर डालना अच्छे तरीके से। चलो फिर उतार दो। इधर वाले को नहीं लगा हुआ। सबको ही लगाऊंगी अभी, वैसे ही थोड़ा थोड़ा डालूंगी मैं सारे। हैंड से लगा दो। हैंड से लगाऊंगी। बंद कर दो। हाँ अभी बंद कर दो। पीछे भी आपने ऐसे ही लगाना है सारा। आपने उल्टी है, साइड उल्टी की है। उल्टी की। चलो बंदर उसके मामा पट्टियों में लगाओ। सारा पड़ोंगे से डाल दो। ज़्यादा आपने बना लिया, ज़्यादा बना।
थोड़ा तो नहीं, जब हम आप बनाओगे तब इतने मजे का लगेगा। सारे आपने ऐसे रख के अच्छे तरीके से, वो देखो आपने अभी इसको मैरिनेट करके रखना है 2 घंटों के लिए 3 घंटों के लिए, डायरेक्ट नहीं आपने इसको बनाना। ऐसे आपने अच्छे तरीके से इसको मसाला इसमें ये जज़ब कर देंगे। मामा करूँ क्या, बंद कर दूँ क्या? तो गाइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसको आपने फ्रिज में रखना है, तो मैं अभी रख के आपको दिखाती हूँ। तो गाइस इसको मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ, ये देखिए। तो आपने लाजमी इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं टाइम तो फिर आप यानी के इसको यानी के बना भी सकते हैं, अगर टाइम है तो आप ज़रूर इसको रखें, फिर बहुत मज़े की और जो मसाला है इसमें वो यानी के जज़ब हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में फिर आपको मिलते हैं। और ये देख ले गाइस, देचके में मैंने पानी डाल दिया है, और इसमें हम एक स्टैंड रखेंगे, उसके ऊपर हम वो पेपर रखेंगे, पेपर का मुझे वो नाम नहीं आ रहा, अभी आप देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। तो वो हम इसमें यानी कि रखेंगे, ये दिखाओ ना, ये देखें ये वाला पेपर और ये स्टैंड। मामा मेरे मत्थे पे कुछ टूट रहा है। नहीं कुछ भी नहीं, ये देख लें ये स्टैंड, ये ओवन का स्टैंड है। तो ये वो पेपर, तो ये हम ऐसे इसमें रखेंगे। तो पहले मैं चिकन यानी के ले आऊँ, तो फिर हम इसमें रखेंगे। मम्मा ये बड़ा है काफ़ी। और ये देख ले गाइस, इसको मैंने 2-3 घंटे मैंने इसको रखा है फ्रिज में, ये देख ले। तो काफ़ी यानी कि अच्छा मसाला इसमें कोटिंग हो गया इसका, ये देख ले। तो अच्छा लग रहा बहुत, इसमें तो अंगूर भी है। आपने डाला है अंगूर की अंगूर गाइस, इसमें से अंगूर भी निकला है, मेरे से डल गया था बीच, पता नहीं कब गिरा, मुझे ये पता नहीं है। खा रही थी ना फ्रिज में से निकाल के, तो वो गिरा दिया होगा, मामा से छुपा छुपा के खाती है। मामा आपके सामने तो लेके आई थी। मोटी तो नैन्सी तो होती नहीं, जितना मर्जी तो कर ले, ये बात है कभी नहीं। तो ये देख ले गाइस, मैंने जो मसाला अच्छे तरीके से, क्या मसाला? तो ये देख ले गाइस, ये मैंने जो पेपर रखा है इसमें हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, क्योंकि नीचे से भी इसको स्टीम मिल सके। कट लगी होंगी लगाते हैं, वो स्टीम नीचे से भी आएगी ना, तो वो फिर पक जाएगा नीचे से। हाँ। तो फिर हम उल्टा करेंगे, फिर वो दूसरा पक जाएगा। चल करो। गाइस देख ले, मामा रोस्ट चिकन रख रही है, ये वाला मसाला भी इसके ऊपर ही ऐसे डाल दें, कितना प्यारा लग रहा है। ये सारा मसाला इसके ऊपर ऐसे, मामा बंद करो। हाँ जी बंद करो। देख ले गाइस, ये मैंने रख लिया है तिला ऊपर, ये देख सकते हैं आप, ये देख। तो अब इस पे हम यानी कि ढक्कन, तो नहीं इसके ऊपर आएगा, तो ये मैं इसके ऊपर ये दे दूँ परात, ऊपर भी वजनी चीज़ रख देंगे, थोड़ा वजन हो जाएगा, चलेगा इस पे। ढक्कन तो इसके ऊपर आया नहीं, ज़ाहिर वो स्टैंड भी यानी कि थोड़ा सा ऊंचा था, और वो चिकन भी माशाल्लाह यानी कि हेल्दी था थोड़ा तो इसलिए यानी कि मैंने इसके ऊपर परात ही दे दी, तो ये ठीक थी, इसमें से यानी कि भाप भी नहीं निकलेगी। तो आपने 20 मिनट यानी कि 25 मिनट के लिए आपने रखना है, 20-25 मिनट के लिए इसको यानी कि स्टीम में रखना है। तो फिर बाद में आपको दूसरा तरीका दिखाऊंगी। और ये देख ले गाइस, मैंने इसको स्टीम कर दिया है, तो ये हो चुका स्टीम, और अब इसको हम फ्राई करेंगे। और ये देख ले गाइस, मैंने इसको डाल दिया कढ़ाई में, तो अब इसको मैं यानी कि रोस्ट कर रही हूँ, स्टीम मैंने इसको कर लिया, तो अभी फिर आपको दिखाती हूँ इसको रोस्ट। और ये देख ले गाइस, ये मैंने चिकन स्टीम रोस्ट मैंने बना लिया, तो बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बना, और आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और इस साथ मैंने रायता भी रखा है, तो आप ज़रूर ऐसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।